I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Thank you. Bahut hard. Young man, tum bahut lucky hai. Hum jab se paida hua hai, hamara first marriage hai. Oh, shadi mubarak ho. Thank you. 100 rupees. Thank you. And I introduce myself. I'm his uncle. Thank you. Nice meeting. Come on, children. No, husband. Yes. दिल छोटा मत कर यार. 100 रुपया तो मिला. जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, सबको माला माल कर दूंगा. चल. इतना बड़ा हो गया है लेकिन माँ के हाथ से खाता है. शर्म नहीं आती? अपने हाथ से खाने में तुम्हारे हाथ का मजा जो नहीं आता. माँ, जिस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और हमारा वही बेदर्द शहर मुझे सम्मान देगा, उस दिन पार्टी में तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा. और उस दिन उस बेदर्द शहर को याद दिलाऊंगा कि मैं वही बच्चा हूं जिसके सामने तूने उसकी माँ की तौहीन की थी. क्यों नहीं जाता ये सब? भूल कैसे जाऊं? कभी नहीं भूल सकता. वो दिन तो मेरी आत्मा पर एक ताजा जख्म की तरह जिंदा है. उस दिन जब वो आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, उस दिन उस शहर की सड़कें, उसके पेड़ों की साए, उसकी धूप, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा. उस शहर को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी. मां, मेरे पास मेरा म्यूजिक है. इसमें सुख को मैं तलवार की तरह तेज करूंगा और उस शहर के सीने में उतार दूंगा. मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, यू आर जस्ट फर्स्ट ग्रेड. लेकिन तुम सोच रहे होगे कि सैमी का मैनेजर पागल हो गया. वैसे मैं अब सैमी का मैनेजर नहीं हूं, मेरी माँ. नमस्ते माँ. मिस्टर डेविड ब्राउन, आपके बेटे का मैनेजर. जी हाँ. आप बैठिए ना. बैठा हूं माँ. ये गुलाम नबी हैं, अनिल का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं. वैसे थोड़े घबराए हुए भी हैं, लेकिन मैंने इनसे कह दिया कि अगर शो में घाटा हुआ तो मैं पूरा करूंगा. इससे तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मुझे तुम पर और तुम्हारे टैलेंट पर कितना भरोसा है. फ्रेंड्स, मैं डेविड ब्राउन आज इस ख्याल की खुशी से फूला नहीं समा रहा कि मैं एक ऐसे अजीम फनकार, महान कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट को आपसे मिलाने का काम कर रहा हूं. देयर ही इज. कम सिंग एंड कॉन्कर. Thank you.
क्या चाहते हो? देख रहा हूं तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन इस खूबसूरती में नजाकत कम और घमंड ज्यादा है, शायद थोड़ा दिमाग भी, और उस दिमाग से पैसे की बदबू आती है। मैं खूबसूरत हूँ और मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज है। अगर मेरे दिमाग से पैसे की बदबू आती है तो मेरा बाप एक करोड़पति है, और तुम क्या हो? एक सड़क छाप गवैया, डांसर। सड़क छाप गवैया और डांसर, कल रात तुम जोर जोर से यही कहकर चिख रहे थे ना। सुनो बेबी, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं उसी का जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे बाप जैसे अमीर आदमी ने मेरी कला को सड़कों के हवाले कर दिया था। गोवा के एक एक फुटपाथ से मैंने सुर सीखे हैं, एक एक सड़क से मैंने ताल सीखी है, और कल रात तुमने मेरे बरसों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे कामयाब किया, और आज मैं उसी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि एक दिन मैं इस काबिल बनकर दिखाऊंगा जिस दिन तुम इस सड़क छप का भैया से उठकर मांगने होगे कागज पाने इन होंठों पर, और पता नहीं उस दिन मैं तुम्हें ऑर्डर कब दूंगा या नहीं। माय पुत, जी हाँ, पैसे मिल गए, थैंक यू। अच्छा बख्शी साहब, कल बंबई की 3 सीट्स बुक करवा दीजिए। जी हाँ, इसे एक बार बंबई पहुंच लेने दीजिए, हर चीज पर इसका नाम होगा, जिमी आइसक्रीम, जिमी चॉकलेट, जिमी फैब्रिक्स, जिमी टी शर्ट, जिमी ये, जिमी वो। कौन सी चाय पीता है, कौन सी क्रीम लगाता है, उसे कौन सा रंग पसंद है और कौन सा रंग ना पसंद है। नहीं ब्राउन साहब, मैं अनिल को बंबई नहीं जाने दूंगी। नहीं मां, बॉम्बे जाएंगे, उस शहर को मेरे बचपन का उधार चुकाना है। ब्राउन साहब, हम बॉम्बे जाएंगे। अब तो आपके पास सब कुछ है, आप जिंदगी से और क्या चाहते हैं? मैं पहले भी जिंदगी से अपनी माँ की खुशियों के सिवा और कुछ नहीं चाहता था, और आज भी मैं जिंदगी से अपनी माँ की खुशियों के सिवा कुछ नहीं चाहता हूं। अब रहा माँ की खुशियों का सवाल, ये आप माँ से पूछ लीजिए। माँ जी जरा सर उठाइए, बोलो ना माँ। माँ इस बात के सिवा और चाह भी क्या सकती है, जब तक चांद और सूरज निकलते रहे ये ऐसे ही गाता रहे और दुनिया झूमती रहे। बस करो सैम, चढ़ती नहीं है यार। आखिर उसके गाने में ऐसा क्या है जो मेरे गाने में नहीं? He's a bloody street singer. Hi Dad. Hi बेटे, कैसी हो? अच्छी। मैं पूछता हूँ, ये आदमी यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है? प्लीज सैम, मुझे तबाह करके मेरी तबाही का तमाशा देखने के लिए? ना, तुम्हें तबाह होना ही था। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, उसके घर। सैम, गेट आउट। आई एम सॉरी डैड, आई एम वेरी सॉरी डैड। इट्स ऑलराइट किड। म्यूजिक की दुनिया में सैम खत्म हो चुका है, कुछ ही दिन में लोग उसे भूल जाएंगे। नो, आई एम ग्रेट, आई एम स्टिल ग्रेट, ग्रेट, आई एम अ थिंग फॉरएवर, फॉरएवर। तुम्हारे पास अपनी भी एक जिंदगी हुआ करती थी, वो क्या हुई? देखो, अपने टैलेंट को इस कचरे के डिब्बे में मत फेंको, जिमी को ज्वाइन कर लो। अच्छा,
बाय डैड। जीते रहो प्यारे, जीते रहो। मैंने एक दिन कहा था जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, देखा तुम सब लोगों को माला माल कर दूंगा। ये ले। नहीं अबे लेना यार, ये ले ले, ये ले। अपन कोई नोट नहीं मांगता है। क्यों? अपन तो उसी तरह तुम्हारे साथ बैठकर दारू पियेंगे दोस्त। नो दारू, नो दारू। अब तुम जिस मंजिल की तरफ जा रहे हो वहां पर स्कॉची स्कॉच है, देसी दारू का मजा भी चख लो उस्ताद, बाद में पता नहीं तुम्हारी किस्मत में हो या ना हो। ये बात नहीं है, देसी माल में ज्यादा झटके लगते हैं। झटके लगेंगे लटके, हम तो देसी पियेंगे। क्यों भाइयो? ठीक है, आज दारू ही पियेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ से हम शुरू हुए थे। चलो। अरे उधर नहीं, इधर। अरे वाह, देसी दारू अंग्रेजी कार। चलो, देसी दारू अंग्रेजी कार। लगाना झटका। गोवा से आया मेरा दोस्त, बम्बे वाले सलाम करो। गाना। गोवा से आया मेरा दोस्त, बम्बे वाले सलाम। ये वही बस्ती है जहाँ के लोगों ने मुझे और मेरी माँ को चोर कहकर निकाल दिया था। मैं चोर हूँ? मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ भी चोर नहीं है। इन लोगों ने मुझे, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मेरी माँ चोर नहीं है। अरे जागो, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ चोर नहीं है, मेरी माँ चोर नहीं है, जिमी है, मजदूर का लगान। हाँ, मैं जिमी, वही बच्चा हूँ जिसे तुम लोगों ने चोर कहकर इस बस्ती से निकाल दिया था। जिमी, जिमी बेटा, मैं रहीम चाचा बेटा, मैं रहीम चाचा। रहीम चाचा, तुम खुदा के बंदे हो ना? जरा तुम्हारे उस खुदा से पूछकर तो बताओ, मैं चोर हूँ? मेरी माँ चोर है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो तो एक देवी है बेटा, जिसने अपनी कुर्बानियों की सीढ़ी बनाकर तुम्हें कामयाबी की इस मंजिल तक पहुँचाया है बेटा, इस मंजिल तक पहुँचाया है। तुम ठीक कहते हो रहम चाचा, वो देवी है। हाँ बेटा, बेटा हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तुम्हें और तुम्हारी वालदा को इन लोगों ने चोर कहके यहाँ से निकाला था ना, लेकिन आज ओबराय के आदमी इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। बेटा बेटा बेटा, ना जाने कब यहाँ कयामत आ जाए बेटा, ना जाने कब कब कयामत आ जाए। मिस्टर जिमी, आप रो रहे हैं? जी हाँ, आज मैं 18 साल के बाद रोया हूं,
लेकिन ये आंसू और 18 साल पहले के आंसू में फर्क है। वो आंसू एक अनाथ लावारिस गरीब लड़के के थे, लेकिन आज का आंसू एक मशहूर तलंदमंद कलाकार के हैं। आज के शाम के मेहमानों में वो आदमी भी है जिसने मुझे रुलाया था, मेरे बचपन, मेरी माँ का अपमान किया था। आज उसे देखकर दिल का घाव खुल गया है, इसलिए इस पार्टी में मैं सिर्फ रो सकता हूँ, गा नहीं सकता। आज मैं अपनी दोनों माँओं से अब लोगों की पहचान कराना चाहता हूँ। एक माँ ये देवी है जिनका नाम राधा है, 18 साल अपनी आंखों की चौखट पे बैठी मेरे भविष्य के किशन की प्रतीक्षा करती रही। मेरी आवाज में जो दर्द है वो इनके दिल से मेरे दिल तक आया है। और मेरी दूसरी माँ इस शहर की सड़कों का जाल है जिसकी गोद में मेरा बचपन खेला है। उन पर कड़कती धूप में मैं नंगे पांव चला हूं, लेकिन इस सड़कों ने मुझे कभी यह सवाल नहीं किया है कि लवर इस बेटे तू अपना खाना बंद कर। आज मैं बॉम्बे के मेयर के घर से बॉम्बे की उन मां जैसी मेहरबान सड़कों को सलाम करता हूं। डॉली खंडेलवाल, तुम्हारे 18वीं वर्षगांठ पर मैं अपने ये To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.